सो ये सारे चीट कोड्स है, इसको हम कैसे यूज़ करना है, ये पूरे टोल फ्री जैसे नंबर को कैसे याद रखना है, वो सब हम ये वीडियोस में बताएंगे। ये वीडियोस के साथ चीट कोड बताने के साथ हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल भी सॉल्व किए हैं। 7 जुलाई 1896 एंड 10 मई 1857। सो ये ट्रिक्स को देखने के लिए आप बने रहे, कंटिन्यू करेंगे हम थोड़ी देर में, आपको पूरा ख्याल आ जाएगा कि ये कैसे वर्क करता है एंड आप इजीली कोई भी डे और डे का प्रॉब्लम क्रैक कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में परफॉर्म वेल कर सकते हैं, उसकी हम लोग गारंटी दे रहे हैं। टॉपिक है कैलेंडर एंड इस पर हम आज पूरा लेक्चर बनाया एकदम इजी तरीके से, बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से हम लोग ने पूरे कैलेंडर के प्रॉब्लम को ब्रेकआउट किया, जिससे आप कोई भी डेट कौन से डे पर थी वो आप चेक कर सकते हैं। ये मोस्टली सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यूज़ होता है, एक तो क्वेश्चन तो इसके होते ही होते हैं, सो बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड एकदम ट्रिकी है। मीन्स एक बार आपने ये कंसेप्ट समझ लिया तो आप कोई भी मीन्स कोई भी डेट डे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम लोग एक चेकलिस्ट बनाएंगे, ये चेकलिस्ट के द्वारा आप ये चेकलिस्ट को अगर आपने ध्यान में रख दिया तो आप कोई भी डे को फाइंड कर सकते हैं। सो सबसे स्टार्टिंग में मैं सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मंथ से। सो वी नो लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनको हम नंबरिंग कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो टोटल 12 मंथ्स है। अब ये 12 मंथ्स के सामने हर एक नंबर है, मीन्स जनवरी है तो उसका एक स्पेशल नंबर है, वो स्पेशल नंबर हम यूज़ करेंगे कोई जो भी डेट दी रहेगी उसका डे फाइंड करने के लिए। सो जनवरी है उसका स्पेशल नंबर है 1, फरवरी है उसका 4, मार्च है उसका 4, अप्रैल है इसका 0, मई है उसका 2, जून है उसका 5, जुलाई 0, वैसे ही 3, 6, 1, 4, 6। ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, बट डोंट वरी, इसको कैसे रिमेंबर करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा एकदम इजी तरीके से, ज़रा भी लोड नहीं। ये इसको कैसे याद रखना है पूरे सबके सामने कौन सा याद रहेगा सब बताऊंगा आपको। सो स्टार्ट करते हैं। ये फाइंड करने के लिए सबसे बेसिक है इसको ब्रेकआउट करना। ये आपको दिखेगा तो लाइक कस्टमर केयर नंबर जैसा 1440250036146, ये एकदम इसी तरीके से रिमेंबर करने की ट्रिक है। इसको ब्रेकआउट करो तीन तीन में, तीन में हम लोग ने ब्रेकआउट किया। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये 3 डिजिट होता है 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144। वैसे आप इसको देखोगे तो ये होता है 5 का स्क्वायर। बस ध्यान वो रखना है कि 5 का स्क्वायर 25 नहीं लिखना है, 5 का स्क्वायर लिखना है 025, मीन्स कुछ भी करके आपको उसको 3 डिजिट बनाने। वैसे ही अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये है 6 का स्क्वायर। सेम ऊपर के जैसा इसको डायरेक्ट 36 नहीं लिखना है, इसको लिखना है 036 और ये लास्ट में 146। अब हम इसको देखेंगे तो हमें याद आएगा 143, राइट। बट यहाँ पे थोड़ा सीरियस मोड, यहाँ पे आई लव यू नहीं, यहाँ पे है आई लव सिल्वर। अब आपको पता है कि हम लोग की चैनल का नाम सिल्वर फॉक्स है, सो स्टार्टिंग लेटर सिल्वर। ये याद इसके लिए रखना है कि इसके अंदर 6 डिजिट है सिल्वर में, सो हमारा 143 नहीं 146 रखना है। सो एकदम इजी है, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 143 नहीं, पढ़ाई के टाइम सीरियस हो जाओ, 146, आई लव सिल्वर, ओके। सो जनवरी के सामने 1, फरवरी के 4, वैसे सारे कोड याद रखने हैं और ये याद रखने की सिंपल ट्रिक है, सबसे पहले 12 का स्क्वायर करो, फिर 5 का स्क्वायर करो, बट 3 डिजिट में लिखो, मीन्स 035, बाद में 6 का स्क्वायर करो, 3 डिजिट में लिखो 036 और लास्ट में 143 नहीं 146। सो
ये हर एक मंथ के सामने उसके एक चिट कोड हो गया। अब ये चिट कोड का यूज़ करके आप कोई भी डे फाइंड कर सकते हो। अब ये जैसे हो गया मंथ का, वैसे ही हम अब कोड जानेंगे डेज का। लाइक वीकली 7 डेज होते हैं। सबसे पहले संडे, सबका फेवरेट, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब जैसे कि हम लोग का सबका फेवरेट है संडे, सो उसे हम 1 दे देते, वैसे इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 0 दोनों एप्लीकेबल हैं। या 7 और 0 इसके लिए एप्लीकेबल है कि अगर हम रिपीटेटिव करेंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और अगर हम इसे 0 भी दें, बिकॉज आगे हम जब फर्दर न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे तो दोनों वैल्यू आएगी, इसके लिए हम इसको 7 भी बोलेंगे और 0 भी बोलेंगे। अब ये हम पढ़ लिए चिट कोड मंथ्स एंड डेज के बारे में। जैसे ये दोनों हो गया, अब हम जाते हैं ईयर्स पे। सो ईयर्स की एक रेंज है, हम लोग ने ईयर्स को डिवाइड किया टोटल 3 टाइप में। सो ये आप ज़रा देख लीजिए, ईयर्स को बाइफरकेट किया है टुकड़े टुकड़े में, तो जो टाइप का ईयर्स आया उसके सामने उसकी पर्टिकुलर की फीचर्स रहेगी। लाइक अगर ईयर 1900 टू 1999 के बीच में है गिवन, सो हम यूज़ करेंगे रेगुलर मेथड। ये बस आप खाली देख लीजिए, मैं आप पूरा एक्सप्लेन करूँगा रेगुलर मेथड क्या होती है, कैसे होती है। अगर ईयर है 1800 टू 1899 के बीच में, सो हम यूज़ करेंगे जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद जो डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसमें प्लस टू कर देंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसमें प्लस टू कर देंगे। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये खाली आप देख लीजिए, इसके ऊपर जब हम प्रॉब्लम करेंगे तब मैं आपको डिटेल में बता दूँगा। अगर ईयर रहा 2001 टू 2099 के बीच में, सो हमें जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर आया है उसको -1 कर देंगे। सो ये की फीचर्स हो गया, की नोट हो गई। अब हम मेन स्टेप्स पे जाते हैं कि हम क्या यूज़ करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम। सो सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 1, हमें जो भी डेट दी है उसका ईयर देखो। लाइक आज की डेट है 7 जुलाई 2018, सो सबसे फर्स्ट ईयर पे फोकस करो, ईयर है 2018। सो सबसे पहले ईयर देखो और उसको चेक करो, चेक द ईयर। Whether it is leap year or not, okay? सबसे पहले क्या करना है, वो ईयर लीप ईयर है या नहीं वो हमें फाइंड करना है, okay? सबसे पहले हम ईयर देखेंगे, ईयर को फाइंड आउट करेंगे कि ये लीप ईयर है या नहीं। अब लीप ईयर है या नहीं फाइंड करने के लिए सबसे सिंपल रूल्स है, जो भी दी ईयर दिया है उसको 4 से डिवाइड कर दो। एग्जाम्पल, अगर डेट में 2000 दिया ईयर है, सो ये 2000 ईयर को पहले फाइंड आउट करना है कि ये लीप ईयर है या नहीं, सो हमें सिंपली ये 2000 को 4 से डिवाइड करना है। सो अगर हम लोग ने 2000 को 4 से डिवाइड किया तो 4 5 20 0 0, ये नीचे 0 ऊपर 0 नीचे 0 ऊपर 0, सो फाइनली हमें रिमाइंडर में 0 मिला। सो यही है मीनिंग कि अगर हमें रिमाइंडर में 0 मिले तो वो जो ईयर है वो ईयर होगा लीप ईयर। तो सबसे इजी स्टेप, पहले फाइंड आउट करो ईयर लीप ईयर है या नहीं। और फाइंड आउट कैसे करते हैं, जो भी ईयर दिया है उसे 4 से डिवाइड कर दो
अगर रिमाइंडर ज़ीरो आया तो वो लीप ईयर है। फर्दर हम एग्जांपल लेते हैं और एक, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, आपके डाउट और क्लियर हो जाए। अब हम ईयर लेते हैं 1988। अब जैसे ये ईयर लिया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1988 को 4 से डिवाइड करेंगे। सो हमें क्या मिलेगा, 9 4 16 तो 4 4 16 3 8 4 9 36 2 ऊपर से 8 4 8 28। सो यहाँ आप देखोगे तो वापस हमें रिमाइंडर ज़ीरो मिला। वापस रिमाइंडर ज़ीरो मीन्स ये भी लीप ईयर है। सो 2000 भी लीप ईयर, ये भी लीप ईयर। अब और एक एग्जांपल हम देखते हैं, ईयर लेते हैं 2013। सो अब इसको देखोगे तो ये लीप ईयर है या नहीं, तो चेक करने के लिए 2013 को 4 से डिवाइड करो। सो हमें मिलेगा 4 5 20 0 1 3 4 3 12 1। देखो आप यहाँ देख सकते हो रिमाइंडर हमें 1 मिला। ये रिमाइंडर 1 मिला इसकी लिए ये 0 नहीं है, हमें 0 नहीं मिला, कोई एक नंबर मिला अदर देन 0। सो इसका मतलब ये जो ईयर है 2013 वो लीप ईयर नहीं है। ओके, सो ऐसे हम फाइंड करेंगे ये लीप ईयर है या नहीं। अब डायरेक्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आप पे आपको सब क्लियर हो जाएगा। सो हम एग्जांपल में भी ऐसे ही लेते हैं कि आज की डेट। सो आज की डेट है 7 जुलाई। आज की डेट है 7th जुलाई 2018। ओके, सो सबसे पहले ये फॉर्मेट या तो कोई भी फॉर्मेट रहेगा उसे सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करेंगे, और वो करेंगे इसको सिंप्लीफाई वर्जन में लिख के, राइट। अब हमारा सबसे पहला स्टेप होगा कि जो डेट दी है, जो डेट, उसे एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड करें। 7 मीन्स 7। अब ये सेकेंड कॉलम है मंथ की, ये मंथ 7 मीन्स जुलाई है। सो पहले जैसे आपको बताया हर एक मंथ के लिए हम लोग ने चीट कोड निकाले। जुलाई का चीट कोड है 0, जुलाई के सामने क्या है, 0। सो जो भी मंथ हमें दिया है उसका चीट कोड को हमें ऐड करना है। मीन्स यहाँ पे 7 था, 7 जुलाई, जुलाई मीन्स 7th मंथ, 7th मंथ का चीट कोड है 0। सो फर्स्ट हम लोग ने डेट लिख दी 7। अब मंथ के ऊपर जाएंगे, मंथ है जुलाई, जुलाई का चीट कोड है 0। सो हम यहाँ 0 को सिंपली ऐड कर देंगे। अब डेट हो गया, मंथ हो गया, अब हम जाएंगे ईयर पे। जैसे आप ईयर में जाओगे सबसे पहले काम वो करना है कि ईयर की लास्ट दो डिजिट है ना, लास्ट दो डिजिट, ईयर 4 डिजिट का होता है, तो उसके लास्ट दो डिजिट को एज इट इज़ ऐड कर देना है। सो 2018 था, उसके लास्ट जो डिजिट 18 थे, तो हमने दोनों ने उसको ऐड कर दिया। अब ये जो डिजिट है पीछे का, उसको एक साइड में लिख के डिवाइड बाय 4 कर दो। वापिस एक बार, जो डेट थी उसे लिख दी, जो मंथ था वो मंथ जुलाई था, जुलाई का चिट कोड है 0, ये 0 को हम सिंपली ऐड कर देंगे। बाद में आएंगे ईयर पे, ईयर 4 डिजिट के होते हैं, हम सिंपली लास्ट 2 डिजिट है उसे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके ऐड कर दिया। अब यही डिजिट को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 16 और रिमाइंडर बचेगा 2। ये टाइप में हमें रिमाइंडर कि कोई वैल्यू नहीं रखनी है। हमें जो नॉर्मल आंसर मिला लाइक ऊपर वो है 4। सो हमें सिंपली इसको
ऐड कर देना है. सो हमें हमारा आंसर था 4. अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता हमारा, सो इसे यहाँ पे लीव कर देना है. हमारा मेन आंसर था 4, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4, ऐड कर दिया 4. अब ये जो वैल्यू मिली है टोटल 4, इसका कर लो सिंपली एडिशन. इसका एडिशन करेंगे तो 8 और 4 और प्लस 7 19, 9 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, टोटल कैलकुलेशन हो जाएगा 29. परफेक्ट. अब ये जो 29 आंसर मिला है, ये 29 को हम डिवाइड बाय 7 करेंगे. ये ईयर का लास्ट डिजिट, लास्ट टू डिजिट था, उसे डिवाइड बाय 4 किया. समेशन जो मिला ये सब का 29, वो आंसर को डिवाइड बाय 7 करेंगे. ये आंसर को डिवाइड बाय 7 किया तो हमें मिलता है 7 4 28 और रिमाइंडर 1. अब ये जो रिमाइंडर है ना, इसमें हमें इंटरेस्ट है 1. अब ये जो है इसको हम कंपेयर करेंगे हमारे डेज के कोड के साथ, राइट? मीन्स ये जो आंसर आया उसे हम डायरेक्ट कंपेयर करेंगे चार्ट में. मीन्स 1 आया तो उसके सामने क्या है वो देखेंगे. मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ देखेंगे, बट इसके पहले और एक स्टेप है छोटा सा. अब ये आने के बाद हमें ईयर चेक करना है कि ये 2018 कौन से ईयर गैप में लाई कर रहा है. जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे 3 ईयर गैप बताया, एक है 1900 to 1999, एक है 1800 to 1899, एक है 2001 to 2099. सो हमारी डेट है 7 जुलाई 2018. 2018 वो 2001 to 2099 के बीच में लाई कर रहा है, बराबर. ये यहाँ कहीं रहेगा, कहाँ पे भी रह सकता है, 2001 to 2099 में. सो इसका चीट कोड है, जो भी हमें रिमाइंडर मिला उसमें से एक निकाल दो. सो ये पूरा सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया 1, बट हमारा चीट कोड कहता है कि जो भी मिला उसमें से एक निकाल दो. इसके लिए इसमें से जो हमें 1 मिला, 1 में से हम लोग ने और एक बार एक माइनस कर दिया. एक ही क्यों माइनस किया, क्योंकि हमें चीट कोड में ऐसा लिखा है कि ये जो ईयर, ये रेंज के बीच में कोई भी ईयर आया, सो हम जो आंसर आया उसमें से एक माइनस करेंगे. सो ऐसा जो हम करते हैं तो 1 - 1 = 0, तो हमारा आंसर आया 0, सिंपली ही 0. सो ये जो 0 है वो हमारा हीरो है, बिकॉज इसके ऊपर हम, इसी के यूज़ करके ही हम डिपेंड करेंगे, डिसाइड करेंगे कि कौन सा डे था. सो ये 0 को ये डे के साथ कंपेयर करो. अब यहाँ 0 आपको कहाँ दिख रहा है, सैटरडे, राइट? 0 के सामने, सैटरडे के सामने ही 0 और 7 है. अगर आपका आंसर 7 भी आता और या तो 0 आता तो आप सैटरडे लिखते हैं. वैसे ही हमारा आंसर 0 है, तो 0 के सामने डे कौन सा, सैटरडे, बराबर. सो इसके लिए 7 जुलाई 2018 को था सैटरडे, ओके. ये हो गए आज के डे. सेम ऐसा एक और एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक एग्जांपल हम देख लेते हैं जिससे और आपका डाउट जो रहेगा वो क्लियर हो सकता है. एक और एग्जांपल, लाइक रेंडमली मैं लेता हूँ तो मेरी बर्थडेट है 27 जुलाई 1996. सो फर्स्ट ये दिखने के बाद हमारा स्टेप रहेगा इसे सिंप्लीफाई करना. इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 27 7 1996. अब हमें सबसे पहले काम वो करना है कि ये जो 1996 है, वेदर इट इज़ लीप ईयर और नॉट. सो हमें पता है ये लीप ईयर है या नहीं, कि टेस्ट क्या है. 1996 को अगर हम
4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आए तो उसका मतलब लीप ईयर है, और अगर रिमाइंडर 0 ना आए तो उसका मतलब है वो लीप ईयर नहीं है। सो चलो हम डिवाइड करते हैं, 4 4 16, 3 9, 4 9 36, 3 6, 4 9 36। सो ये अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारा आंसर मिला 0, रिमाइंडर मिला 0। सो ये जो 0 मिला इसे कंफर्म हो जाता है कि ये जो ईयर है 1996 वो लीप ईयर था। कौन सा ईयर था? लीप ईयर। अब अगर हम अपनी की नोट्स में आ जाते हैं, अगर हमारा ईयर लीप ईयर हो, गॉट इट, अगर हमारा ईयर लीप ईयर हो, अब हम देखते हैं तो यहाँ पे 1996 लीप ईयर था। अब अगर लीप ईयर है तो इसके लिए एक अलग कंडीशंस है। अगर इफ ईयर इज लीप ईयर, सो हमारा जो भी आंसर रहेगा ना, जो भी आंसर, सो हम लाइक जो भी हो, जो हमारा फाइनल आंसर आए रिमाइंडर, उसमें ये सब कंडीशन तो लगाएंगे, साथ में साथ एक और कंडीशन लगाएंगे कि उसके बाद भी जो आंसर है उसमें से भी हम 1 माइनस कर देंगे, फाइनल आंसर में से 1 माइनस कर देंगे। ये है कंडीशन ऑफ लीप ईयर। ओके, सो फाइनली ये हम लोग का प्रॉब्लम था। सो हमें पता चला 1996 लीप ईयर है। अब हम जैसे करते वैसे सबसे पहले ये डेट को उठा के कॉपी पेस्ट करो, 27 प्लस 7 मीन्स जुलाई। अब जुलाई, जुलाई के लिए वापस जुलाई मंथ आया तो जुलाई के लिए की चीट कोड था 0। सो हमने यहाँ पे सिंपली ऐड कर दिया 0। अब ये होने के बाद हमें पता है कि हम क्या करते हैं, जो भी ईयर है उसके लास्ट दो डिजिट लेते हैं। यहाँ पे 1999 है, यहाँ पे लास्ट दो डिजिट 96 है। सो इसको वापस यहाँ पे 96 को ऐड कर दिया। अब यही 96 को हम डिवाइड बाय 4 कर देते हैं। तो 4 2 8 1 6, 4 4 16 0। सो हमारा आंसर आया 24। सो वापस हमने ये 24 को यहाँ पे ऐड कर दिया। सो हमने यहाँ पे कर दिया प्लस 24। अब इतना होने के बाद, चार डेटा मिलने के बाद, इन चारों डेटा को हम ऐड कर देंगे। इसको ऐड करते हमें आंसर मिलेगा 147। ये हम लोग का आंसर है। अब यही 147 को हम डिवाइड बाय 7 करेंगे। सो 7 2 14 0 7, 7 1 7। अब हमारा आंसर आया 0। अब डायरेक्ट आंसर आया 0, बट ये जो 0 आया इसे हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसके पहले हम लिखेंगे कि ये जो 0 है वो लीप ईयर के ईयर में है, राइट। और हमने यहाँ पे देखा कि अगर लीप ईयर है तो -1 करना है जो भी आंसर आया उसमें, लेकिन ये मैं आपको अभी बताऊंगा कि ये -1 तभी करना है जब वो मंथ जनवरी हो या फेब्रुआरी हो। अगर जैन और फेब मंथ हो लीप ईयर में तो ही हम ये -1 करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ये लिखने के टाइम मैं आपको बताता तो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता, इसके लिए मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल दिया जुलाई मंथ का। ये लीप ईयर भी है लेकिन ये मंथ जुलाई है, ये मंथ जैन और फेब नहीं है, इसके लिए हम ये जो -1 है वो नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे जनवरी होता या तो फेब्रुआरी होता सो हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते। सो हमारा सिंपली आंसर क्या आ गया? 0। सो ये जो आंसर है हम लोग का 0, ये मेन आंसर है। और अब हम इसको कंपेयर करेंगे हमारे डे के चिट कोड के साथ। सो हमारा आंसर आया 0। 0 का चिट कोड है सैटरडे। सो वो दिन सैटरडे था, एंड ट्रस्ट मी वो दिन पक्का सैटरडे था। अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो गूगल कर दो कंफर्मेशन। ये आंसर मिला तो डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर देने का उसको, ये 0 मिला
सो बाद में देखने का कि ये जो ईयर है वो कौन से ईयर गैप के बीच में लाई कर रहा है, मीन्स जो हमारा 1996 है वो लाई कर रहा है 1900 टू 1999 में. सो इसके अंदर लाई कर रहा है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे रेगुलर मेथड. हमने यूज़ किया रेगुलर मेथड. रेगुलर मेथड में हम लोग जो आंसर मिला है उसमें ना हम प्लस कुछ करते ना माइनस करते. अगर ईयर ये रहता है तो करते, अगर ईयर ये रहता है तो ये करते. लेकिन अब हमारा जो ये क्वेश्चन में ईयर 1996 था जो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट रेगुलर आंसर से, रेगुलर मेथड से उसका आंसर निकालेंगे. ज़ीरो मीन्स हमारे यहाँ पे ज़ीरो आया, तो हम लोग ने डायरेक्ट उसको कंपेयर किया चीट कोड के साथ और लिख दिया डायरेक्ट ज़ीरो. जैसे कि हमने यहाँ पे पहले देखा था हमारा आंसर आया था वन, बट ये जो वन आया था उसके ईयर था 2018 और 2018 लाई कर रहा था इन दो के बीच में, इन दोनों के बीच में. सो हमें क्या करना था, जो आंसर है उसमें से माइनस वन करना था. तो हम लोग ने यहाँ पे माइनस वन किया, इसके लिए ज़ीरो आया. लेकिन यहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग का ईयर 1900 टू 1999 के बीच में था और इसके लिए हमने रेगुलर मेथड यूज़ करनी है. सो अब और एक सॉल्व करेंगे डेट जो थर्ड कंडीशन पे बेस होगी. डे है 10th में 1857. अगर आपको पता रहेगा ये डेट के बारे में, और अगर आपको नहीं पता है तो ये जीके की इम्पॉर्टेंट डेट है. एप्टीट्यूड रिगार्डिंग, जीके की रिगार्डिंग ये इम्पॉर्टेंट डेट है. ये डेट पे इंडिया में बहुत अच्छा खासा रिवॉल्यूशन आना स्टार्ट होने लगा था फ्रीडम के लिए. सो ये डे को हम बोलते हैं द डे ऑफ इंडियन रिवोल्ट स्टार्टेड. इस डे पे इंडियन रिवोल्ट स्टार्ट हो गया था 1857, सबको पता रहेगा. लेकिन ये जो डेट है 10th में वो शायद सबको ना पता हो. सो ये जीके पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी है डेट. सो हम सबसे पहले स्टेज पे काम करेंगे ये डेट को सिंप्लीफाई वर्जन में लिखना. 10th में, मे मीन्स फिफ्थ मंथ, 10th में 1857. अब हमारा सबसे पहला वाला काम वो था कि जो हमें डेट दी है उसे करना डिवाइड. जो हमें ईयर दिया है उसको हमें चेक करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं. सो यहाँ पे ईयर है 1857. ये लीप ईयर है नहीं या चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यही ईयर को हम डिवाइड करेंगे 4 से. सो इसे हम फाइंड करने के लिए डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 4 16 25 4 6 24 2 4 4 16 1. मीन्स अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो हमारा रिमाइंडर 1 बचा, मीन्स ये लीप ईयर नहीं है. अगर यहाँ पे 0 आता सॉल्व करने के बाद तो हम बोलते ये लीप ईयर है. सो ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा कि ये लीप ईयर नहीं है. अब हम क्या करते हैं, यही डेट को डायरेक्ट नीचे कैरी फॉरवर्ड करते हैं. 10 प्लस, अब हम देखते हैं ये मे मंथ था, तो मे मंथ का की कोड क्या था हमारे लिस्ट में देखेंगे. मे था तो की कोड है 2, राइट. सो हम सिंपली इसको 2 को ऐड कर देंगे. ये 2 को ऐड कर दिया. अब हम जाएंगे ईयर के लास्ट दो डिजिट पे. ईयर के लास्ट जो डिजिट है 57, एकदम स्मार्ट से 57 लिख दिया. अब हम ये 57 को करेंगे डिवाइड, ये 57 को करेंगे डिवाइड बाय 4. सो 4 1 4 1 7, 4 4 16. सो हमें यहाँ पे आंसर मिला 14. ये 14 को हम ऐड करेंगे यहाँ प्लस 14. सो हमारा फाइनल आंसर आ गया 7 4 13 1 8 83. सो हमारा आंसर आया 83. अब ये 83 को हम डिवाइड करेंगे डिवाइड बाय 7. 83 डिवाइड बाय 7. सो
सेवन वन ज़ा सेवन, एक बचा, सेवन वन ज़ा सेवन, सिक्स रिमाइंडर हुआ, ये जो सिक्स है वो हमारा काम का मिला। अब हम फाइंड वो करेंगे कि ये जो ईयर है वो लाइक इसमें कर रहा है हमारे की कोड में। सो हमारा ईयर है 1857 और वो लाइक कर रहा है 1800 और 1899 के बीच में, यहाँ कहीं पे ईयर होगा 1857। सो 1857 ये रेंज में हम लोग को आंसर मिला है, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमें रिमाइंडर मिला उसे प्लस टू कर देते हैं, राइट। जो भी हमें रिमाइंडर मिला उसे प्लस टू कर देते हैं। सो हमें यहाँ पे रिमाइंडर मिला सिक्स, इसको प्लस टू कर दिया, तो सिक्स प्लस टू एट, राइट। अब आप सोचिए कि आंसर आया एट, लेकिन जब कंपेयर करना है तो यहाँ पे डिजिट है 1 to 7 तक की। सो जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 कंप्लीट होगा, वापस साइकिल रिवर्स होगी और वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा। मीन्स अगर संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एक वीक कंप्लीट हो जाता है, सो नेक्स्ट वीक वापस चालू होगा संडे से। सो सिंपली आप 8 आया है तो इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे भी कर सकते हो, या तो एकदम सिंप्लीफाइड अगर हमारा आंसर इन सब के रेंज से ज़्यादा आए तो वो आंसर में से 7 माइनस कर दो सिंपली। मीन्स हमारा आंसर 8 आया जो ये 7 से ज़्यादा है, सो हम इसको 7 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आया 1। सो अब ये जो 1 आंसर है, 1 आंसर किसको डिनोट कर रहा है, 1 आंसर डिनोट कर रहा है संडे को। सो 10th में 1857 को संडे था। सो इसको लाइक क्रॉस चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैंने कि डाला 10th में 1857, सो आप देख सकते हो वो दिन संडे था और हमारा आंसर भी ऑलमोस्ट वही आया है, 1 संडे। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। ऐसे ही हम शॉर्टकट्स फुल टू फुल शॉर्टकट्स बेस्ड बनाते रहेंगे वीडियोस। एंड अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, तो हम लोग ने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी डाल दी है। सो वहाँ पर हम डाउट सॉल्व करते हैं, सिल्वर फॉक्स चैनल कम्युनिटीज़ एक्टिव रहती है। सो आपके डाउट्स जल्द से जल्द हम सॉल्व करके वहाँ पे अपडेट कर देंगे। इसके लिए स्लाइड प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बिकॉज ये प्योरली कोडिंग है, चिट कोड्स है। सो इसे प्रैक्टिस कीजिए और एटलीस्ट अपना बर्थडे है उसको लेकर सॉल्व करें कि वो डेट पे कौन सा डे था, एंड उसे कमेंट में कर दीजिए। सो हमें पता चलेगा कि कितने हम लोग के फॉलोवर्स हैं इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, ओके। इससे ये भी पता चलेगा कि ये चीट कोड कितने के काम आई, कितने सीरियसली हम लोग का ये वीडियोस देखा। सो नेक्स्ट टाइम नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सी यू सून एंड इट हैज़ टू बी वेरी वेरी सून, बाय।